सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद जो अपने कपड़ों की वजह से अपने अतरंगी फैशन सेंस की वजह से हमेशा लोगों के निशाने पर आती रहती हैं। अब भैया उनके कपड़े ही ऐसे होते हैं, उनके ड्रेसेस ही ऐसी होती हैं कि कोई नॉर्मल आदमी ऐसा पहनने और बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इस बार उर्फी जावेद अपने कपड़ों को लेकर नहीं लेकिन अपने चेहरे की बनावट को लेकर, अपने बोटॉक्स को लेकर और अपने चेहरे में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं उसको लेकर खबरों में है। उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट और इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर बातें की हैं। उर्फी जावेद ने काफी बड़ा खुलासा भी किया। इसके साथ ही उर्फी जावेद ने बताया है कि वो जल्द चिन फिलर्स को डिसॉल्व करवाने जा रही हैं और इसके बाद आए बदलावों को उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर भी किया। उर्फी जावेद ने अपनी चिन यानी कि अपनी ठोड़ी को सही शेप में लाने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया था और इसे नुकीला करवाने की कोशिश की थी। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपनी गाड़ी में बैठे हुए एक फोटो को शेयर किया जिसमें वो ब्लैक हुडी और कैप लगाई नजर आ रही हैं। इस फोटो में उनकी नुकीली ठोड़ी साफ आप देख सकते हैं। इस फोटो पर उर्फी जावेद ने लिखा, तो मैंने अपने चिन फिलर्स डिसॉल्व करवाने का फैसला किया। ये पहले की फोटो है। अगली फोटो में उर्फी जावेद उसी तरीके के आउटफिट में नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार उनकी चिन पहले से काफी फ्लैट और अलग नजर आ रही हैं। यानी कि उर्फी जावेद ने 9 सालों के बाद अपने चिन फिलर्स को हटवा लिया है। उर्फी जावेद ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, ये बाद की फोटो है, कोई चिन फिलर्स नहीं है, मुझे अभी अपने चेहरे को ऐसा देखने की आदत नहीं है। मैं करीब 8-9 साल चिन फिलर्स के साथ रही हूं। आपको बता दे उर्फी जावेद कई तरीके के ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती रही हैं और इन बातों को छिपाने की बजाय वो उस पर खुलकर बात करती हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपने लिप फिलर्स करवाए थे और उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा परेशानी भी हुई थी, जिसके बाद बकायदा उर्फी जावेद ने पोस्ट शेयर कर जिस डॉक्टर से, जिस क्लिनिक से उन्होंने अपने लिप फिलर्स कराए थे उनको जमकर लताड़ भी लगाई थी। कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी आंखों के नीचे वाले हिस्से के ट्रीटमेंट के बाद की फोटोज को पोस्ट किया जो कि काफी गलत हो गया था और नतीजे काफी शॉकिंग थे। उर्फी जावेद ने अपने लिप फिलर्स वाली फोटोज को भी पोस्ट किया था और लिखा कि ट्रीटमेंट गलत हो जाने की वजह से उनका चेहरा बर्बाद हो गया। एक्ट्रेस ने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया था कि बोटॉक्स और फिलर्स बिल्कुल अलग तरह के ट्रीटमेंट हैं, जहां पहले वाला मांसपेशियों को टाइट करने के लिए होता है तो वहीं दूसरा उसे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन ये दोनों ही ट्रीटमेंट बहुत दर्द देते हैं क्योंकि उनमें सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है। उर्फी जावेद लंबे टाइम तक अपने अतरंगी आउटफिट के लिए सुर्खियों में बनी रही हैं और आज भी बनी रहती हैं, लेकिन अक्सर वो जिस तरीके से इन मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं, चाहे वो उनके चिन फिलर्स हों चाहे लिप फिलर्स हों, लोग उनकी जो बेबाकी है उसकी भी तारीफ करते हैं। फिलहाल तो 9 सालों के बाद उन्होंने अपने चिन फिलर्स को हटवा दिया है, डिसॉल्व करा दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएँ। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।